इस समय हर तरफ राम लला के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने का संकल्प पूरे होने पर बद्री प्रसाद विश्वकर्मा अपनी चोटी से राम रथ खींचकर अयोध्या ले जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है। मंदिर बनने से दमोह जिले के बटियागढ़ के बद्री प्रसाद विश्वकर्मा का भी संकल्प पूरा हो गया है। बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने 1992 में प्रण किया था कि जब रामलला भव्य मंदिर में स्थापित होंगे तो वह अपनी चोटी से राम रथ खींचकर अयोध्या तक पैदल यात्रा करेंगे। अब 11 जनवरी को राम भक्त बद्री प्रसाद ने 500 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। छतरपुर में सनातनी लोगों ने उनका स्वागत किया। बद्री प्रसाद अपने बालों की चोटी से टैक्सी में बने राम रथ को रस्सी से खींचकर अयोध्या जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो रोज 24 घंटे में 50 किलोमीटर चलते हैं और 22 जनवरी तक अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर अपने संकल्प की पूर्ति करेंगे। हमने 1992 में संकल्प लिया था कि भव्य राम मंदिर और प्रभु रामचंद्र जी भगवान वहां पर विराजमान होंगे, तो हमने कहा अगर भव्य मंदिर और रामचंद्र जी विराजमान हो जाएंगे तो हम अपनी चोटी से रथ बना करके खींच कर अयोध्या ले जाएंगे। तो बटियागढ़ से हम 11 बजे 12 बजे चले थे राम मंदिर से, तो चल करके हम बड़ा मलहरा रुके, 60 किलोमीटर कवर किया मैंने 65 किलोमीटर, और फिर बड़ा मलहरा से हम छतरपुर रुके, रात के 1:30 बजे रात के हम जब छतरपुर में खड़े हुए 50 किलोमीटर गाड़ी हमारी गाड़ी खींच के लेके आए। हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करो, हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हिंदू हमारा एक कहना आप ये हिंदू और विश्वगुरु बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों सबके आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1100 किलोमीटर माने 1001 किलोमीटर की हम पद यात्रा करेंगे रथ बांध करके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।